नमस्कार दोस्तों, स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पीएफ के कंप्लेंट कैसे करें अभी लॉकडाउन में, तो इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मैं आप लोगों को सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज कल मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जो आप लोगों को मुझे इतना सारा प्यार मिला, मैं आप लोगों की मदद कर पाया। तो दोस्तों ऐसे ही आप प्यार देते रहना और मैं आपको ऐसे ही आपको जानकारी जो भी मेरे को आता है नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। आपकी जो भी क्वारी है वो आपको सेल करूँगा। आप जितने भी कमेंट करते हो मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों आप सभी का ऐसे ही प्यार देते रहना और हमारे ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मैं आगे और आपको अच्छे वीडियो बनाऊँ और आगे आप तक आपको नॉलेज शेयर करूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि पीएफ में ग्रीवेंस कहाँ करें, लॉकडाउन में आप पीएफ ऑफिस जा नहीं सकते क्या। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कैसे करें, तो इसके रिगार्डिंग कल पीएफ की तरफ से भी ट्विट आया था कि आप कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया, डियर एम्प्लॉयर ड्यूरिंग लॉकडाउन मैनी एम्प्लॉयज़ कांट रीच योर इन पर्सन इन ईयर इश्यू रिलेटेड फॉर पीएफ, कि कोई भी एम्प्लॉयज़ अपना पीएफ ऑफिस नहीं पहुँच पाते, क्योंकि पहले तो हम अपनी जो भी प्रॉब्लम थी पीएफ ऑफिस में चले जाते, लेकिन आप लॉकडाउन में पीएफ ऑफिस खोल नहीं रहे, तो आप अपने रजिस्टर कहाँ करें। इफ़ नो इन हाउस ग्रीवेंस रेडिसल पोर्टल एग्जिस्ट फॉर एम्प्लॉयज़, काइंडली क्रिएट फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स एंड शेयर डिटेल्स विथ एम्प्लॉयज़। तो आप जो भी डिटेल है वो आप ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इनका थर्ड पॉइंट, इंकरेज एम्प्लॉयज़ टू राइज ग्रीवेंस ऑन फेसबुक और ट्विटर अकाउंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड प्लीज रिप्लाई प्रमोटली टू सच क्वारीज एंड रिसोल्व द ग्रीवेंस। इफ़ एनी एक्शन लाइज विथ ईपीएफ काइंडली एक्ट देम रजिस्टर ग्रीवेंस ऑन ईपीएफ। तो अभी ईपीएफ ग्रीवेंस वाला पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने पीएफ का फेसबुक और ट्विटर पर अपने ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आप ट्विटर पर अपने ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर करें। इसमें आप एम्प्लॉयर भी रजिस्टर कर सकता है और एम्प्लॉय भी, क्योंकि एम्प्लॉयर के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पीएमजी के रिलेटेड, पीएमआरपी रिलेटेड, डीएससी रिलेटेड, ई साइन रिलेटेड, तो बहुत सारे हैं। तो आप ट्विटर पर कैसे रजिस्टर करें, कैसे आप अपनी जो भी पीएफ रिलेटेड क्वारी वो कैसे सॉल्व करें, तो आप कैसे ट्वीट करें वो मैं आपको ट्विटर के माध्यम से ओनली बताऊंगा कि कैसे रजिस्टर करें। तो दोस्तों इस वीडियो तक अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको समझ में, आप अपने अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं डाल पाता तो आप एम्प्लॉयर से मदद कीजिए, जैसे लॉकडाउन में परेशान हो क्लेम, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि हमारे मार्च से क्लेम पेंडिंग आया, तो मैंने बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई किया था, लेकिन मैं सोचा इस पर अभी वीडियो बना दूँ कैसे आपको कमेंट करके कैसे पूछना, क्योंकि कहीं का पीएमजीकेवाई को बेनिफिट नहीं मिल रहा, सब कुछ होने के बाद आपको नहीं मिला, तो आपको अपने ग्रीवेंस ट्विटर पर रजिस्टर, और ट्विटर का आपको 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो कैसे कर रहे, चलो दोस्तों अब कैसे बताता हूँ आपको। गूगल पे जाना, गूगल पे आपको twitter.com पे आपको इंटर करना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ अपना जो भी अपना लॉगिन आईडी, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप फॉर ट्विटर पे जाके आप अपना साइन इन कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है जो भी अपना, वो यहाँ पे अपना एंटर कर दीजिए और अपना पासवर्ड डाल दीजिए। अगर आपको ये अपना, आप अपने फ़ोन से भी लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप गूगल ऐसे भी ब्राउज़र पे भी कर सकते हैं, तो फ़ोन वाले का फ़ोन का ऐप आता है, वहाँ से आप अपना फ़ोन से इजी रहेगा, फ़ोन से आप इजी करते हो। दोस्तों ये सर, अब आपको मैं बताऊँ कैसे, कि मैंने भी कुछ पीएफ रिलेटेड वो क्वारीज पूछी थी, जिससे कुछ पीएफ पीएमजी के वाई रिलेटेड थी, जो भी थी, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मैंने कौन सी मैंने पीएफ से हेल्प ली थी। लेकिन इसमें मैंने पीएफ की तरफ से पूछा था कि पहले डीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया था, डीएससी हम कहाँ से करें, तो इसमें देखो मैंने ये पूछा था कि जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या मिल गया था, इसका अभी इसमें आया कि विल गेट, इसका कुछ नहीं आया था, इसका विल गेट पीएमजी का भी बेनिफिट इस ईयर जनरेट 15 बट पेमेंट इज दो, तो इसका इन्होंने रेस का रिप्लाई किया कि आपको 15 के बाद में अगर चलान जनरेट करता तो आपको पीएमआरपी भी बेनिफिट मिल रहा था, वो वास्तव में वो बेनिफिट मिल रहा था। इसलिए टेटर मैंने डीएससी का भी पूछा था, तो उन्होंने भी डीएससी का रिप्लाई किया था, वो 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करता। मैं आपको नई रजिस्टर ग्रीवेंस कैसे करते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ट्विट, तो ट्विट पर आपको क्लिक करना है। ट्विट के क्लिक करने बाद आपको पहले @, क्योंकि हमें @PF सोशल ईपीएफओ सोशल ईपीएफओ देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना। तो ये जो हमारा मेन एड ऑफिस है इसका है। फिर आपको क्या करना, आपको @ जो भी आपका है उस पर आपको डालना ईपीएफओ, आपका जो भी है, दिल्ली है, गुड़गांव है, जो भी आपका अपना स्टेट है तो वहाँ पर आप डालिए। जैसे मेरा गुरुग्राम है तो गुरुग्राम डालता हूँ, तो आप जो दोनों भी मेरे हैं वो मैं आप ऐसे अपना डाल सकते हो, अपना स्टेट का ईपीएफओ, आगे अपना जो भी स्टेट का नाम है वो अपना डालिए।
ये मैंने रजिस्टर कर दी। तो इसमें आप अपना जो भी एक्वायरी अपना ये नहीं कि इंग्लिश में, लेकिन आप अपने हिंदी में लिख सकते हो हिंदी, और इसमें साथ में अपना प्रूफ भी अटैच करते हो। तो इसमें जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि डियर टीम प्लीज़ लुक इनटू माय एम्प्लॉयज पीएफ क्लेम अंडर फॉर्म 10C19 विच हैज़ बीन पेंडिंग सिंस लास्ट 6 मार्च। आई हैड लॉग इन ग्रीवेंस, मैंने इसके लिए ग्रीवेंस पे डाला, ग्रीवेंस के भी कुछ नहीं आता, तो मेरा एम्प्लॉय इसको पैसे की जरूरत है। तो आप ऐसे अपने ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हो। तो ये इसमें वर्ड लिमिट होती है, तो आपको इसमें ये को इतना ही लिखना पड़ेगा। आपको इसमें शॉर्ट में समझाना, छोटा शॉर्ट से भी इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्यूट हो गया। फिर आपको इसमें कुछ अटैचमेंट करना, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फोटो का, तो आप यहाँ से अपने कुछ अटैचमेंट कर सकते हो। अटैचमेंट में मैं अपने दोनों जो प्रूफ हैं, जो क्लेम स्टेटस आता है वो आप निकाल सकते हो। क्लेम स्टेटस के लिए मैंने बताया कि आप अपना क्लेम स्टेटस कैसे करें। तो ये करने के बाद में आपको देखो यहाँ पे अपना मेरा अटैचमेंट हो गया। तो दोस्तों इसके करने के बाद आपको यहाँ पे ट्विट पे क्लिक कर देना है, आपको ट्विट पे क्लिक कर देना है। इस पर ट्विट यहाँ पे दिखा रहा है, आपको ट्विट पे क्लिक कर देना है। ये मेरा ट्विट हो गया। दोस्तों ये मैंने ट्वीट कर दिया। ऐसे अब आपको करें तो आपको 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा। ऐसे आप अपनी जो भी क्वारियाँ हैं, देखो ये मैंने रजिस्टर कर दी, जो भी आपकी अपनी क्वारियाँ हैं, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय जो भी रिलेटेड DSC में प्रॉब्लम आ रही, पोर्टल में प्रॉब्लम, और इससे आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपने आपको अपडेट भी रह सकते हो, लेटेस्ट अपडेट वगैरह जो आप ट्विटर पर आ रही हैं, अपनी जो भी ग्रीवेंस है वो यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और ऐसे ही हम प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ और आपको जागरूक करता रहूँ, और आपको जितना भी मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत आता है मैं आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करूँ। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुछ भी क्वारी तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।